इंतजार जी, आपके लिए कितने सैंडविच बना दूं? मैं लंच बाहर से ही करके आऊंगा बेगम। लंच में भला कौन सैंडविच खाता है? इसे औरतों को बनाना आता ही नहीं, जैसे जब देखो सैंडविच बनाने बैठ जाती है। आते वक्त मटन कीमा जरूर ले आना। हे अल्लाह, शुक्र है तेरा, आज थोड़ा चेंज तो आएगा, मटन कीमा बनेगा। इंतजार जी, आज मैंने यूट्यूब से मटन सैंडविच बनाना सीखा है, आते वक्त यहाँ से ले आना। ठीक है ले आऊंगा, जा रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तुम पहुंच गए? हाँ जी, सब खैरियत। मैंने तुम्हारे बैंक में 1000 रुपये डाल दिए, किसी अच्छे होटल में रहना जी, कल सुबह नमाज अदा करके। अबे आटो आटो आटो, वक्त के साथ आ जा भाई, बैठो आटो, अपना इम्तिहान देने चले जी। अच्छे से इम्तिहान देना। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब्बू ने 1000 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिए हैं, ये 1000 रुपये तो मैं बचा लूंगा। भाई सर आटो। मियाँ किसी मुगले ढाबे पे चलो। आटो सर। अरे बहुत गर्मी है, चलिए। सादिक भाईजान, सादिक भाईजान सो रहे हो क्या? माफ करना बिलाल, आज पहली दफा ऐसा किया मैंने, तुम्हें अपने घर में दाखिल ना होने दिया। माफ करना बिलाल, आज तेरे बगैर पहली दफा बिरयानी बना रहा हूं। मेरे बचपन में अम्मी जब भी बिरयानी बनाती थी, अब्बू हमेशा किलो या 2 किलो गोश्त लेकर आते थे, पर बिरयानी लजीज उसी दिन बनती थी जिस दिन गोश्त 1/2 kg आता। मैं भी अम्मी की तरह जायकेदार बिरयानी बनाना चाहता हूँ आज की शाम के लिए, इसीलिए 1/2 kg गोश्त लाया। बिलाल होता तो इतना तो अकेला ही खा जाता।
कैसे हो बरखुरदार? जी जी शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं। खैरियत है? आज तो घर पर ही हो गए, इतवार है। जी किराया लेने आ रहा हूँ मैं। जी इंतजार जी जब भी किराया लेने आते हैं और मैं उन्हें उस दिन किराया दे पाने में नाकाम रहता हूँ तो वो लंच करके ही जाते हैं। हर बार तो फिर भी ठीक है लेकिन लेकिन आज आज तो हाफ के जी है सिर्फ। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, टाइम पे किराया देना, जो आज से पहले कभी किया नहीं मैंने। इंतजार जी के कमरे में दाखिल होने से पहले मैं नीचे जाकर इंतजार जी का इंतजार करता हूं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, चले आप पीना? जी दरअसल मैं कहीं बाहर जा रहा था, आप ये आपका रेंट ले लीजिए। आप किराया लेने आए थे ना? जी खुदा हाफिज। हेलो बेगम जान, आप ऐसा करना मेरे लिए भी एक दो सैंडविच बना ही लेना। आप ये कोई टाइम है सैंडविच खाने का? ओके कोई बात नहीं, मैं डिनर में बना दूंगी। ठीक है। या अल्लाह, बिरयानी बिल्कुल अम्मी जैसी बननी चाहिए। आज की शाम सच में बहुत खास होने वाली है, बिरयानी भी अच्छी बनी है। कितना हो गया? अब इसको क्या हुआ? हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं तेरे शहर आया हूँ और कुछ देर में पहुँचने वाला हूँ तेरे घर। हाँ तू कहीं भी होगा, सब छोड़ के घर पे आ। ठीक है, ऑटो। बिलाल से बचा लिया, इंतजार जी को भी झूठ बोल दिया, पर अब आलम, इसे क्या कहूँगा? आलम मेरा कजिन है, मुझसे बड़ा है, मेरी कभी नहीं सुनता, हमेशा अपनी ही बात ऊपर रखता है। आज मैं इसे फोन पर मना करने वाला था पर इसकी कॉल ही कट हो गई।
हाँ जी जान, कैसी हो? तुम कहाँ बिजी थे? मेरे कजिन की कॉल आ गई थी। पक्का? अरे यकीन नहीं है तुम्हें? स्क्रीनशॉट भेजूं? नहीं रहने दो, वैसे भी तुमसे तुम्हारे कजिन के अलावा कौन ही बात करता होगा। तुम कब तक आ रही हो? सुनो, मैंने क्या सोचा, ये जो तुम्हारा बिरयानी का प्लान है ना, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। क्या हम पिज्जा खाने चले? हाँ जी जान, पिज्जा खाने भी चलेंगे, पर कभी और। आज मैंने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, तुम जानती भी हो मैंने कितनी मुश्किल से बिलाल और इंतजार जी से बिरयानी बचा कर रखी है। हद है तुम्हारी, कोई भी ख्वाहिश बता दूं तुम्हें मैं, तुम तो बस इनकार करना जानते हो। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम ऐसा ही करते हो। देखो जोया, मैं गिनवाना नहीं चाहता, पर मैंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। ओह अच्छा, मेरे कहने पे तुमने मुझे सिनेमा दिखा दिया तो एहसान कर दिया, कुछ चंद रुपए की शॉपिंग करवा दी और मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए अपने दोस्तों के साथ मनाली जाने के लिए। तुमने तो बारिश कर रखी है मुझ पे पैसों की, है ना? देखो मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा। रहने दो यार, चीप हो तुम बहुत। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि इसी लायक हो तुम। देखो जोया, मैंने पैसों का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने तो बस यही कहा कि तुम्हारे साथ मेरे हाथों से बनी हुई बिरयानी खाना ही मेरा प्यार है। अब मूड नहीं है मेरा, तुम ऐसा करो मैं कल आती हूँ तुम्हारे पास, ओके? देखो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है मुझे। प्लीज ऐसा मत बोलो। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। मैं उसे बस ये बताना चाहता था कि मैंने उसके लिए हर वो चीज की जो उसने चाही। अपनी जॉब से छुट्टी लेकर उसके साथ उसकी फैमिली के काम करना, जब उसके दोस्त उसके घर पे पार्टी करते रात रात भर, तो सुबह मैं ही साफ करता उसके कहने पे, उसका ख्याल रखना, उसकी सारी बातों को समझना। पता नहीं क्यों उसे सिर्फ पैसों की बातें याद हैं। पर कोई बात नहीं, सुबह वो आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बिरयानी बनाई है? नहीं नहीं भाईजान, नहीं तो। ओ वो शामा ढाबा से कबाब कोरमा खा के आया हूँ ना। जी जी। माशाल्लाह खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ जी हाँ जी, सही है सही है। भाईजान कल किस वक्त एग्जाम है आपका? तुझे क्या करना है? और हाँ, अब्बू को इत्तला मत कर देना कि तेरे पास रुका हूँ। नहीं नहीं भाईजान, आप जितनी दफा भी रुके हैं कभी बताया हमें? हाँ ठीक है, चल एक काम कर, मेरा बिस्तर लगा दे। जी भाईजान। और हाँ, कहाँ ऊपर सोऊंगा मैं? जी हाँ। से मैं सोया सोया नहीं, तेरी यादों में मैं खोया खोया शुक्र है अल्लाह का, बिरयानी सलामत है।
बड़ा ही जानलेवा ख्वाब था। सादिक लिया जी भाई, मेरा इम्तिहान का वक्त हो रहा है जी भाई, दुआ खैर में याद रखना जी जी, खुदा हाफिज। खुदा सोया हूँ, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? उसे कभी अपनी ख्वाहिश नहीं बताई, सिर्फ प्यार बताया। मैंने उसकी इतनी ख्वाहिशें पूरी कर दी कि मैं उसकी ख्वाहिशों से ही मिट गया। बिरयानी सच में लाजवाब बनी है। सादिक भाई, कल मैं आपके घर आया था, शमा ढाबा से बिरयानी लेके आया था, पर शायद आप सो रहे थे। बिलाल, तूने तो टूटे हुए दिल को जोड़ दिया, पर गलती मेरी है जो किसी ऐसे वैसे के लिए मैंने तुझे इग्नोर किया। सादिक भाईजान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, आप जब भी बोलेंगे बंदा हाजिर हो जाएगा जी। चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ जी भाई। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मियाँ, बिरयानी बहुत बढ़िया बनी थी जी, थोड़ी थी मगर टेस्टी बहुत थी। कल तुम थोड़ा शायद मसरूफ चल रहे थे, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया था। मैं तो मालूम है ना, मेरे और भी 8 किराएदार हैं, मगर मैंने ये सिर्फ तुम्हें ही दिया। शुक्रिया। माफ करना या खुदा, इतने नेक इंसान से मैंने झूठ बोला। ठीक है सादिक मियां जी भाईजान, इजाजत दे हमें जी। भाईजान कुछ सामान लेकर आना है। ये अब्बू ने मुझे होटल में रात गुजारने के लिए दिए थे, सो इन्हें होटल का किराया समझ के रख ले। या बड़े भाई का प्यार समझ के रख ले। भाईजान, अरे भाईजान रोते नहीं पागल, सब सही है सब सही है। चल इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, ठीक है? और सुन, फोन करते रहना जी भाईजान, ठीक है? ख्याल रखना, खुदा हाफिज। हाफ केजी तो मन का वहम था,
अम्मी की बिरयानी में जो जायका था वो तो परिवार के एक साथ मिल बैठकर खाने से था। था कभी मैं जिंदा था।